नगर निगम धर्मशाला की डंपिंग साइट के विरोध में सुदेड़ के ग्रामीणों ने गांधी वाटिका कोतवाली बाजार में एनएच पर चक्का जाम किया। ग्रामीणों सहित महिलाओं ने डंपिंग साइट की वजह से हो रही परेशानियों के विरोध में चक्का जाम करते हुए प्रशासन से डंपिंग साइट को हटाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। नगर निगम धर्मशाला की डंपिंग साइट के विरोध में सुदेड़ के ग्रामीणों ने गांधी वाटिका कोतवाली बाजार में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम किया। ग्रामीणों सहित महिलाओं ने डंपिंग साइट की वजह से हो रही परेशानी के विरोध में चक्का जाम करते हुए प्रशासन से डंपिंग साइट को हटाने की मांग की। इस दौरान ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। लगभग एक घंटे तक चक्का जाम लगने के चलते एसडीएम धर्मशाला डॉक्टर हरीश गज्जू ग्रामीणों को शांत करने मौके पर पहुंचे, लेकिन ग्रामीण मानने का नाम नहीं ले रहे थे। महिलाओं का कहना है कि यदि प्रशासन ने डंपिंग साइट की समस्या से निजात नहीं दिलाई तो ग्रामीण डंपिंग साइट पर कूड़े की गाड़ियां नहीं जाने देंगे। दिन में महिलाएं डंपिंग साइट के बाहर गाड़ियों को रोकेंगी, वही रात को ग्रामीण युवक गाड़ियों को डंपिंग साइट के भीतर नहीं जाने देंगे। एसडीएम द्वारा एक कमेटी बनाकर जिला व नगर निगम प्रशासन से बैठक करके समस्या का हल निकालने के आश्वासन पर ग्रामीणों ने यातायात बहाल होने दिया। गौरतलब है कि बागेश्वरी महिला मंडल सुदेड़ के प्रतिनिधि मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर एक माह के भीतर डंपिंग साइट की वजह से हो रही परेशानी से निजात दिलाने की मांग की थी। बागेश्वरी महिला मंडल सुदेड़ की प्रधान सुनीता ठाकुर ने बताया कि एसडीएम ने आश्वासन कोई नहीं दिया, बल्कि जाम खुलवाने की बात कही। प्रशासन पब्लिक के आगे मजबूर हुआ। प्रशासन ने मीटिंग के लिए बुलाया है, देखते हैं उसमें क्या समाधान निकाला जाता है। इसके बावजूद प्रशासन ने कोई हल नहीं निकाला तो पुनः चक्का जाम किया जाएगा और ग्रामीण खुद पहरा देंगे, जिसके तहत दिन में महिलाएं और रात को युवक डंपिंग साइट पर पहरा देंगे और यहां पर कूड़ा कचरा नहीं फेंकने देंगे। जी, आश्वासन ही दिया इन्होंने और बोला कि ये जो आपने चक्का जाम किया और गाड़ियां रोकी हैं, इनको आप इनको हटा दो। और हमने मना किया इनको सर, हमें लिखित रूप में दो, आप कब तक आप इसको जो आप बंद करवा देंगे गंदगी फेंकना, नहीं तो अगर आप लिखित रूप में नहीं देते हैं तो फिर पब्लिक जो है ये गाड़ियां जो है फिर फेंकने नहीं देंगी इधर गंदगी, डंपिंग वाली गाड़ी, डंपिंग वाली, हाँ जो ये गाड़ियां तो इनको फेंकने नहीं देंगे। पर प्रशासन भी पब्लिक के आगे मजबूर हुआ और इन्होंने कहा कि हम इसके बारे में डिसीजन लेते हैं आज ही 4 बजे, तो 10-15 लोग हम जाएंगे, अभी हम लिखेंगे उसमें कुछ एप्लीकेशन लिखेंगे, कोई पत्र उनको निवेदन पत्र, तो वो अभी देख रहे हैं कि कौन कौन जाएगा, कितने बंदे जाएंगे। एसडीएम धर्मशाला डॉक्टर हरीश गज्जू ने कहा कि लोगों ने बताया कि डंपिंग साइट की वजह से पोल्यूशन रहता है, डंपिंग साइट की वजह से दुर्गंध आती है। नगर निगम ने भी डिटेल प्लान बनाया है जिससे कि घरों से ही सेग्रीगेटेड कूड़ा आएगा तो यहां दुर्गंध की समस्या का समाधान हो सकता है। डंपिंग साइट को हटाने का निर्णय तो सरकार ही ले सकती है। नगर निगम अन्य जगह डंपिंग साइट बनाने को तैयार है, लेकिन अभी प्रॉपर जगह नहीं मिल पाई है। लोगों को नगर निगम और जिला प्रशासन से बैठक करने को कहा गया है। चक्का जाम करने वालों पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई है, लेकिन भविष्य में ऐसा किया गया तो कार्रवाई की जा सकती है। इसमें जैसा कि लोगों के साथ बातचीत की है, उनकी भी बड़ी जेन्युइन प्रॉब्लम है कि डंपिंग साइट की वजह से काफ़ी वहाँ पोल्यूशन रहता है और लोगों का कहना कि पूरी दुर्गंध आती है। इसके लिए एमसी ने भी एक डिटेल प्रोग्राम बनाया हुआ है ताकि कूड़े का प्रॉपर प्रबंधन कर सके। इसमें घर से ही जैसे सेग्रीगेटेड कूड़ा आएगा तो यहाँ प्रबंधन आसान हो जाएगा। उसके लिए कुछ मशीनों का भी प्रावधान किया जा रहा है ताकि यहाँ पे कूड़ा सेग्रीगेटेड आए और उसका ठीक से ट्रीटमेंट हो जाए, लोगों को स्मेल ना आए। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इसको जहाँ से इसकी साइट शुरुआत होती है वहाँ से प्रॉपर दीवारें बंद करने के बाद इस पूरे कूड़े को एक प्रॉपर साइंटिफिक तरीके से उसके प्रबंधन करना जो है बड़ा ज़रूरी है, तभी लोग शिकायतें इनकी लोगों की बंद हो पाएगी। लेकिन सर, लोग यहाँ से इस डंपिंग साइट को हटाने की मांग कर रहे हैं, तो उसको किस तरह से देख रहा है सर? इसका निर्णय तो सरकार के हाथों में है। हालांकि अगर ऐसा लगता है कि इस जगह से कहीं और अनियंत्रित करना, तो वैसे एमसी की तरफ से इसका प्रस्ताव तो चला हुआ है, लेकिन अभी तो कोई प्रॉपर साइट मिल नहीं पाई है। अगर ऐसा होगा तो वो भी एक ऑल्टरनेट है।
जनता को किस तरह का आश्वासन दिया? जनता को हमने कहा कि आप पहले अपनी वार्तालाप जो है वो MC और प्रशासन के साथ करें, और अगर वो उनसे सेटिस्फाइड नहीं होते तो फिर अगली कार्रवाई करें।